संविधान लिखा है उसमें धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, सभी जाति धर्म के लोगों को अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार मानने का अधिकार दिया है। अगर संविधान दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों, इस वक्त मैं जसपुर के बगीमा में और आज ईसाई धर्म, ईसाई विश्वासी द्वारा आज आस्था से बगिया तक का न्याय यात्रा निकाली गई है। अभी बगीमा के पास आने वाली है रैली, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। दोस्तों, ईसाई समुदाय न्याय यात्रा क्यों निकाली, आइए एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, जसपुर विधायक रामुनि भगत ने आस्था क्षेत्र के एक के गांव के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में ईसाई धर्म मानने वाले के इष्ट देव ईसा मसीह के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे पूरा ईसाई समुदाय आहत है। इसके संबंध में ईसाई समुदाय के द्वारा कई थाने में FIR करने के लिए आवेदन भी दिए। आवेदन नहीं लिखने पर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर विधायक के खिलाफ FIR लिखने की गुहार लगाई, तब भी पुलिस ने FIR नहीं लिखी। तब आज से घटना स्थल आस्था से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निवास स्थान बगिया तक न्याय यात्रा निकाल कर जाएगी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। दोस्तों, यह न्याय यात्रा 3 दिवसीय होगी, 3 चरण में होगी। पहला चरण आस्था से जसपुर, दूसरा चरण जसपुर से कुनकुरी और तीसरा चरण कुनकुरी से बगिया मुख्यमंत्री निवास स्थान तक। आज पहला चरण में कौन कौन विशेष गणमान्य लोग शामिल हुए, एक नज़र। दोस्तों, मुख्य रूप से इस न्याय यात्रा में सारे ईसाई समुदाय के लोग और आज समर्थन में पूर्व छत्तीसगढ़ मंत्री अमरजीत भगत जी, पूर्व विधायक यूडी मिंज साहब, पूर्व विधायक विनय भगत जसपुर और भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा में समर्थन देने पहुंचे हुए थे। Thank you.
न्याय यात्रा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के सभी पूर्व विधायक जो झारखंड रांची से चल करके आप लोग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, अनिल किसपोट्टा जी हाँ, जो न्याय यात्रा निकाले हैं उसको समर्थन देने, उसका स्वागत करने के लिए हम लोग सब आए हैं। भाई यूडी बिन जी, पूर्व विधायक कुनकुरी, भाई विनय भगत जी, पूर्व विधायक जसपुर, डॉक्टर प्रीतम राम जी, पूर्व विधायक लुंड्रा, मोहित क्रिकेटा जी, पूर्व विधायक पाली, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज सागर यादव जी, आप लोगों ने निकाला है अन्याय के खिलाफ। भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख है, इस बात का प्रावधान है कि सभी लोग अपने मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जात धर्म मान सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है। ये किसी की कृपा नहीं है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, सभी जाति धर्म के लोगों को अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार मानने का अधिकार दिया है। अगर संविधान के अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई रोकने का कोशिश करता है, तो रूल का उल्लंघन करता है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया। हम लोग नारा लगाते हैं कौमी एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, इसलिए लगाते हैं कि इस देश की आजादी के लिए सभी जाति धर्म के लोग लड़ाई लड़े हैं, अपना योगदान दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, शहादत दिए हैं। इस देश की आजादी में किसी एक कौम का केवल योगदान नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर के भारत की जो एकता है उसको और पुष्ट करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, सभी के तीज त्यौहार, सभी के अपने अपने पूजा विधि, सबको अधिकार है। और इसमें कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी के भी देवी देवता को, किसी के भी गॉड को, किसी के भी उनके इष्ट देव को, प्रभु यीशु को, उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है, निम्न स्तरीय टिप्पणी करता है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। और अगर कोई भी भारत के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून बना है, उस कानून के तहत कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अन्याय के खिलाफ खड़ा हुए हैं, अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, और मेरी जो जवाबदारी है, दायित्व है, मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री भी था, कांग्रेस का सरकार था जब, तो आप लोगों के बीच हमेशा हम लोग आते थे, मिलते थे। और आज अगर कोई दिक्कत और कोई परेशानी आई है तो हम उसमें शामिल होना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आप सब भाई अनिल ने हम लोगों को याद किया और बोला कि अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग आएंगे, तो हम सभी विधायक, पूर्व विधायक साथी, हम लोग झारखंड चुनाव में गए थे और वहाँ से नामांकन करवा करके हम लोगों को कल आना था, लेकिन इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही हम लोग प्रभु की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और अन्याय की लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं,
जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम लोग खराब मिलेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लाइन का करूँगा उसके आप लोगों को करिए, नारा दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। सुम कुड़ेम ले गाटा हुआ खा। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय अमरजीत भगत जी इस न्याय न्याय यात्रा में हमारे साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित ईसाई आदिवासी न्याय यात्रा नु नवे जे जसपुर विधायक द्वारा ईसाई मसीसी बारे नु और आस आसी ईसा मसीसी अनुनाई अनुनाई आधे बारे नु अभद्र टिप्पणी जे लंच की रहचा एक नंबर एक अक्टूबर इकत्ता है के और मत अखादत और एक सितंबर सॉरी सॉरी एक एक सितंबर ही कथा है के भूया समाज ही भूमि पूजन ही कार्यक्रम रचा ढिंगनी नु और आज ईसा मसीह सी बारे नु अभद्र टिप्पणी नंजा और नाम उर्मा ईसा मसीह सी मनु वालत आहत मंचकत और नाम दुखी मंचकत अधिगे नाम जसपुर जिला लगभग 14 थाना और अधि अलावा प्रदेश ही अन्य थाना नु नाम आवेदन चिचकत करामनी भगत ही नाम दिए एफ आई आर दर्ज नाना और अधि मैया कार्रवाई नाना इंद्र का आस नाम धर्मेशी नव ईसा मसीह सी बारे नु बहुत अभद्र टिप्पणी मंच की रही एकाधि का नाम एम बहुत ही आहत मंच का दम एक अथा ही नाम नाम एफ आई आर गई आवेदन चिचकत किंतु कार्यवाही मल मंजा और अधि खोखा नाम में मानव श्रृंखला बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन इंद्रे का नाम शांतिपूर्ण आलत हकदत शांतिपूर्ण आंदोलन लोराम तीक पत्थरगा उठी 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला ही मानव श्रृंखला कमर की नाम मांग नंजकत का रामनी भगत नान जल्दी जल्दी फायर नाना और अधिमैया कानूनी कार्रवाई नाना अन्नू शासन प्रशासन जयकुन छत्तीसगढ़ शासन रही आज माल मंजा और कोई कार्रवाई अकुन मोटी माल लंजा नाम और ही दुखी मंचकत का इन बग्गे आलत 130 किलोमीटर लगभग 1.5 लाख नाम ईसाई समाज का आलत नाम मांग मंचकत शांतिपूर्ण तरीका थी का एम है कथा में ना एम आहत रहता एम दुखित रहता एम है संगे न्याय ना किंतु इस सरकार प्रशासन शासन प्रशासन माल मंजा इधी के ना नमन इन्ना सड़क नो इतना पड़ा रहा नाम ढींगनी आस्था तीक पद यात्रा 3 दिवसीय बगिया गोटी ऐसन का नवे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सी निवास रही कार्यालय रही असन नाम 827 तारीख होला और असन ज्ञापन सौंपना रही ई क्रम नो इन्ना नाम इधी ही एशियाई आदिवासी न्याय रही शुरुआत नंचकत और नाम ईशन जसपुर अस्कत नमे दुखे और आक्रोशित नाम इन बग्गे का बखान नना मुश्किल रही और नमे दुखी बेड़ानु नमे मजीनु छत्तीसगढ़ शासन पूर्व मंत्री नमे अमरजीत भगत जी नमे दुखे की घड़ी नु नमे मजीनु सहयोग से आगे और समर्थन से आगे नमे बीच नु वर्चस्व बहुत बहुत धन्यवाद नमे समाज की ओर से नमे मजीनु पूर्व विधायक और संसदीय सचिव माननीय यूडी मिंज जी नमे मजीनु उपस्थित रहस आशीनु बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कहीं ना दुखी गरी नमे मजीनु रहस नमे मजीनु उपस्थित डॉक्टर प्रीतम राम पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ शासन आशीनु बहुत बहुत धन्यवाद चेतन किन्ने घर में बीच आदर्श नवे बीच में उपस्थित मोहित क्रिकेटा पूर्व विधायक सर्वासु
नाना मजी उपस्थित राजस आज के बहुत बहुत धन्यवाद। नमे जसपुर था पूर्व विधायक विनय भगत जी नमे दुखे गरी हूँ आज संगे से आगे नमे बीच उपस्थित राजस आज बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। नमे मजी उपस्थित डॉक्टर सी डी बाखला नगर पालिका अध्यक्ष बगीचा और नभ है ईसाई महासभा था सलाहकार वक्ता आशीन बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। नमे मजीनू कांग्रेसी जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव जी उपस्थित रदस आशीन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। नमे मजीनू भाई शशि भगत जी उपस्थित रदस आशीन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। नमे मजीनू महेंद्र अग्रवाल जी पत्रकारिता राजस आशीन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। नमे मजीनू अनुज गुप्ता रदस आशीन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। नमे मजीनू ताहिर अली रदस आशीन बहुत बहुत स्वागत। नमे मजीनू हंसराज अग्रवाल भैया रदस आशीन बहुत बहुत स्वागत और उर्मा मंच रनर उर्मा रेन बहुत 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 स्वागत। और नमे मजीनू उपस्थित ईसाई आदिवासी महासभा ही प्रदेश महासचिव अभिनंद खलगो जी आपको भी बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। नमे मजीनू उपस्थित ईसाई आदिवासी महासभा ही जिला अध्यक्ष वाल्टर कुजूर जी आशीन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। नमे मजीनू उपस्थित ईसाई आदिवासी महासभा ही जिला महासचिव सिया शर्मी हूँ उपस्थित आशीन बहुत बहुत स्वागत। नमे मजी उर्मा नमे कातली सभा अध्यक्ष गुरीन उर्मा रीन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। महिला संघ नु बहुत बहुत धन्यवाद इन्ने सुंदर स्वागत ये बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा संघ जे ये नमे न्याय यात्रा ही बल और शक्ति रही आज बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। अधी अलावा ईशा उपस्थित और माँ नमे संज्ञारीन बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। इन बग्गे माल बाबद्दोन जमात नामक आदत का नमे इन्ना शुरुआत मंच की न्याय यात्रा आस्तातिक इन्ना नमे हाल्टिंग ईशन जसपुर नूरी अधी होकर नीला पैरी एम उर्खोम जसपुर तिक कुनकुरी ये अधी होखा कुनकुरी नीला हाल्टिंग रही कुनकुरी होखा कुनकुरी ती हरोबरे 27 तारीख वाला पदयात्रा उर्खो और बगिया अरसर की असल नमे समस्या ही ज्ञापन मुख्यमंत्री जी सौंपना रही इन बोल की इन अपन वाणी भी राम चरण धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोटा जी नमे बीच नमे नेता उपस्थित।